सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय फतेहपुर की पावन धरती पर हूँ और यहाँ मैं आया हूँ। हमारे उपासक हैं आदरणीय मौर्य जी, उन्होंने सम्राट आइसक्रीम का एक छोटा सा प्लान किया और वो फतेहपुर के लोगों को आइसक्रीम खिलाते हैं। मैं भारत के सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानववादी और OBC SC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करता हूँ कि नौकरियां वैसे भी सरकार खत्म कर रही है, निजीकरण कर रही है, आप व्यापार की तरफ बढ़िए। आदरणीय मौर्य जी ने देखिए प्लांट लगाया है, आप पीछे देख सकते हैं, सम्राट आइसक्रीम देख रही होगी तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। छोटा सा इनका प्लांट है, इससे अपना ये घर चलाते हैं और अच्छा इनकम करते हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। प्लांट के लिए एक जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, देखिए आपने जनरेटर लिया हुआ है और 100% आप बुद्ध से लेके भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये इनका ऑफिस है और जब अंदर से माल बनकर के आता है तो यहाँ उसको ये जमाते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कुल्फी तैयार हो रही है, सारी चीज़ें बन रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, इसमें माल बनकर के आ गया। ये जहाँ बस ये छोटा सा प्लांट है इनका, जिसके माध्यम से ही वो बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी वाले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाकर मोटा पैसा लगा करके ये लोग बनाते हैं और बड़े बड़े ब्रांड से बेचते हैं। अगर आपके पास ही ज़्यादा पैसा है तो बड़ा प्लांट लगा सकते हैं और पूरी गर्मी भर, पूरी बरसात भर ये बिक्री होती है, एवं सर्दी में भी लोग खाते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लांट लगाया हुआ है, ये माल तैयार हो रहा है। तो हमें छोटे छोटे रोजगार और व्यापार की तरफ जाना पड़ेगा। कम से कम कितना पैसा लगेगा मौर्य जी, चल जाएगा 15-20 लाख रुपए लगा के आप स्टार्ट इसे कर सकते हैं। फिर तो ज़्यादा पैसा कितना भी लगाएं, आप अपना नाम बता दीजिए। फूल सिंह मौर्य, सम्राट आइसक्रीम का ऑनर हूँ और यहाँ पर लगभग 15-20 लोगों को रोज़गार मिल रहा है और यह है कि 15-20 लोगों का परिवार चलता है, मेरा भी परिवार चल रहा है इसके माध्यम से। ये देखिए बहुत खुशी की बात है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेरोजगारी का रोना न रोएं, आप लोग परेशान न रहे। अगर नौकरी नहीं है, सरकारें नहीं दे रही है तो आप व्यापार की तरफ जाएं। और मैं चाहता हूं दुनिया के बौद्धों ने बुद्ध को मानकर बड़े बड़े व्यापार स्थापित किए हैं और मैं चाहता हूं कि बुद्ध, अशोक, कबीर, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा के लोग अब व्यापार की तरफ चलेंगे। और भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।